काला पीपल तहसील का गांव डोडे के घरों और फसलों में घुसा पार्वती नदी का पानी। लगातार दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पार्वती नदी खतरे के निशान से बाहर, जिससे डोडे गांव जो कि नदी के किनारे पर बसा हुआ है, पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। पूरे गांव में पानी घरों में घुस चुका है। हालत ज्यादा गंभीर है। जिस प्रकार से लगातार बारिश जारी है, लगातार दो दिन हो चुके हैं और पार्वती नदी का जल स्तर जिस प्रकार से बढ़ा हुआ है, आज लगभग कालाईपीपल विधानसभा की बात करें तो ग्राम डोडी की संपूर्ण फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग घरों पर खड़े होने पर मजबूर हो रहे हैं। आज ये स्थिति है, किसान की फसल तो पहले ही नष्ट हो चुकी थी और अब जो माल मवेशी है, जो गाय भैंस है, इनको खिलाने का जो चारा होता है वहाँ भी पूर्ण रूप से किसान के पास खत्म हो चुका है। किसान आर्थिक रूप से बिल्कुल परेशान है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन फसलों का सर्वे किया जाए, जो नुकसान हुआ है किसान का उसका सर्वे किया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसान आज पूर्ण रूप से सरकार की तरफ देख रहा है। उसके पास ना ही अपने जानवरों को खिलाने के लिए, ना ही अपने घर परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ बचा हुआ है। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी फसलों का सर्वे करे और जल्दी से जल्दी सर्वे टीम को भेजे और इन फसलों का सर्वे करवा कर उचित मुआवजा दे। शाहजहांपुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।